इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वार्ट्ज फाइबर इलेक्ट्रोमीटर्स। ईबी जो है वो एक डायरेक्ट ईवीएम डोसीमीटर्स की तरह काम करती है। ओके, यहां से भी आप इमीडिएटली जो है आप रीडिंग देख सकते हैं, राइट। सो क्वार्ट्ज फाइबर इलेक्ट्रोमीटर का दूसरा नाम भी है क्वार्ट्ज फाइबर इलेक्ट्रोस्कोप भी लोग बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं क्वार्ट्ज फाइबर डोसीमीटर भी बोलते हैं, या और इसका नाम है कंडेंसर टाइप डोसीमीटर। ओके, इसमें होता क्या है, इट इज डिजाइन टू प्रोवाइड डायरेक्ट रीडिंग ऑफ क्यूमुलेटिव एक्सपोजर। ये इंस्टेंटेनियस, मतलब जितना देर आप रहोगे फील्ड में, रेडिएशन फील्ड में, आपको इमीडिएटली उसके एंड में वो आपको पता चल जाएगा कि कितना डोज आपको रिसीव हुआ। जैसे मान लो कि आपने थेरेपी डोज दिया, तो ड्यूरिंग थेरेपी डोज आप आराम से इसको व्यू कर सकते हो कि कितना आपको डोज हुआ। बट बिफोर उसको, इस डोसीमीटर को यूज करने के पहले उसको चार्ज करना जरूरी होता है। ओके, इसमें ये टाइप किस टाइप का होता है, ये जनरली सिलेंड्रिकल होता है, राइट, एंड साइज ऑफ ए पेन, पेन के साइज का होगा, सिलेंड्रिकल होगा, बिल्कुल ऐसा इस टाइप का होगा, सिलेंड्रिकल साइज ऑफ ए पेन, राइट। और इसमें इसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, राइट। एक कंपोनेंट जो है वो यहां पे देखो, ये सी एक कंपोनेंट है, जहां पे ये जो है स्प्रिंग लोडेड चार्जिंग पिन है, यहीं पे चार्जिंग पिन होता है जो स्प्रिंग से लोडेड होता है, और ये इसी से आप चार्ज कर सकते हो, राइट। दूसरा कंपोनेंट जो है ये क्वार्ट्ज फाइबर है, एफ वाला, और ये जो है आर जो है वो रिपेलर है, रिपेलोर, आर यू पी ई डबल एल ओ आर, रिपेलोर, राइट। और ये जो है ये पूरा सिस्टम यहां से यहां तक लेंस सिस्टम है, करेक्ट। एस जो है वो रेटिकल है, और इसी का जूम्ड व्यू ये है कि जहां पे ग्रेजुएटेड ये स्केल होता है, और यहीं पे एक एक पॉइंट, मतलब एक एक वायर होते हैं जो ये जीरो जीरो पे सेट हो जाएगा, जब चार्ज करोगे तो ये जीरो जीरो पे जाकर के सेट हो जाएगा, राइट। और जैसे आयोनाइजिंग रेडिएशन इसके ऊपर फॉल होता है, राइट, तो उस समय पे ये क्या करता है कि इसका चार्ज जो है फुल्ली, जब चार्ज होएगा ना ये, तो ये क्वार्ट्ज फाइबर और इसके बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा ऐसे करके, राइट, रिपेल करेगा एक दूसरे को, तो इसलिए इसके बीच का डिस्टेंस ज्यादा रहेगा, करेक्ट। और जैसे आयोनाइजिंग रेडिएशन फॉल होगा तो क्या होगा, इसका चार्ज जो है डिस्चार्ज होना शुरू होगा, और धीरे 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 ये नीचे की तरफ आएगा, और वही रीडिंग जो है रेटिकल्स पे आकर के आप रीड कर लेते हैं। ब्रीफ मैकेनिज्म ऐसा ही है, देखो डिटेल में देख लो, डिटेल क्या मतलब, उसको लाइन बाय लाइन जस्ट वी कैन जस्ट रीड इट आउट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। व्हेन प्लग्ड इनटू ए चार्जर, जैसे आप इसको चार्जर को प्लग करते हो, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज अप इन द चार्जिंग पिन, राइट, चार्जिंग पिन से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है एंड इट गोज टू द क्वार्ट्ज फाइबर एंड रिपेलर, करेक्ट। दोनों पे जाता है चार्ज, कहां कहां जाता है, क्वार्ट्ज फाइबर पे एंड रिपेलर पे, करेक्ट, राइट। लाइट इल्यूमिनेट्स द इनसाइड ऑफ द क्वार्ट्ज फाइबर इलेक्ट्रोस्कोप और इलेक्ट्रोमीटर, so that the position of the quartz fiber is seen as the repeller and fiber repel each other, मतलब उसको दिखेगा कि दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। चार्ज जो था, यहां से आपने चार्ज किया, जब दोनों पे सेम चार्ज होगा तो ऑटोमेटिकली वो रिपेल होगा, राइट, तो वो ऐसे दिखेगा, करेक्ट, इट विल बी सीन। अब इधर लाइट जो होगा वो ऑटोमेटिकली लाइट से वो इल्यूमिनेट हो जाएगा, लाइट, करेक्ट। तो लाइट में ये दिखेगा, यहां से आईपीस आंख से आप देखोगे तो ये आपको दिखेगा, करेक्ट, और इस ग्रेजुएटेड स्केल पे द अमाउंट ऑफ चार्ज जो है
इस ढंग से एडजस्ट किया जाता है, इज एडजस्टेड सो दैट द फाइबर्स डिफ्लेक्शन इज सेट अगेंस्ट द जीरो ऑन द स्केल्ड रेटिकल्स। ये जो रेटिकल जो है स्केल्ड रेटिकल, इस पे चार्ज को इस ढंग से एडजस्ट किया जाता है, मतलब बेसिकली आपको चार्ज करना पड़ता है ताकि वो जीरो से, इसका जीरो जो है, ये जो है जो लाइन जो दिख रहा हुआ है, ये जीरो पे आकर के मैच होना चाहिए। जैसे मान लो जीरो आपका यहां से शुरू हो रहा है या ये जीरो का पोजीशन है, तो यहां पे आ गया तो आप रोक दोगे चार्ज। अब इसके बाद का ग्रेजुएटेड स्केल जो है वो 20 मिलीसीवर्ट तक का है। अब जैसे जैसे मूव करता जाएगा, आप अमाउंट कितने ग्रेजुएटेड स्केल वो मूव किया है वो वहां से आप रीड कर सकते हो, ठीक है। व्हेन आयोनाइजिंग रेडिएशन आयोनाइजेस द एयर इन द चैम्बर, इस चैम्बर में जैसे आयोनाइजिंग रेडिएशन फॉल होता है लाइक राइट, और यहां पे का एयर जब आयोनाइज होता है राइट, आयोनाइजेस द एयर इन द चैम्बर द चार्ज ऑन द फाइबर एंड रिपेल इज रिड्यूस्ड नेचुरली राइट। जब दोनों पॉजिटिव से चार्ज है या निगेटिव से चार्ज है तभी वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और जब आयोनाइजिंग रेडिएशन फॉल होगा तो वो क्या करेगा, निगेटिव पॉजिटिव दोनों क्रिएट करेगा राइट, तो चार्ज जो होगा वो इधर जाकर के रिड्यूस होएगा राइट, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव आएगा तो वैसे भी उसको न्यूट्रलाइज करेगा। तो जब चार्ज रिड्यूस होता है तो क्या होता है, अलाउिंग द फाइबर टू मूव टूवर्ड्स द रिपेलर, मतलब ये फाइबर जो है वो इधर की तरफ, पहले तो ये दूर था अब ये इसके पास में आएगा करेक्ट। इफ द क्यू एफ ई इज हेल्ड अप टू लाइट एंड व्यूड, मतलब लाइट के सामने रख करके और इसको व्यू करें तो रेटिकल्स पे क्या दिखा, फाइबर अपीयर्स टू इंडिकेट द डोज रिसीव्ड ऑन द रेटिकल, मतलब ये जो लाइन जो ऐसे उधर की तरफ बना होता है, जब आप लाइट के सामने ऐसे करके जब व्यू करते हो तो यहां पे ये चीजें दिखती है, ये वाला पार्ट, तब ये दिखता है कि मूव हुआ, ये ओरिजिनल कहां पे था अब कितना मूव हुआ, ओके। सो दैट शोज दैट इंडिकेट द डोज रिसीव्ड ऑन द रेटिकल राइट। नाउ इस टाइप का क्वार्ट्ज फाइबर इलेक्ट्रोमीटर जो है इट इज अवेलेबल, जिसका मैक्सिमम रेंज जो है वो 2 मिलीसीवर्ट से लेकर के 10 सीवर्ट तक का डोज जो है वो मेजर कर सकता है करेक्ट। 2 मिलीसीवर्ट से 10 मिलीसीवर्ट तक का, सॉरी 10 सीवर्ट तक का डोज जो है वो मेजर कर सकता है। डिफरेंट टाइप्स के अवेलेबल हैं, मतलब क्वार्ट्ज फाइबर इलेक्ट्रोमीटर्स डिफरेंट टाइप्स के अवेलेबल हैं, जो क्या क्या में डिटेक्ट कर सकते हैं, दे कैन डिटेक्ट थर्मल और फास्ट न्यूट्रॉन, जो बीटा का भी, बीटा को भी मेजर कर सकते हैं, लो और हाई एनर्जी फोटॉन्स को भी मेजर कर सकते हैं, और टिश्यू इक्विवेलेंट QFEB भी अवेलेबल है, मतलब ये क्वार्ट्ज फाइबर इलेक्ट्रोमीटर जो है वो टिश्यू इक्विवेलेंट मटेरियल्स का भी बना हुआ है, अवेलेबल है मार्केट में राइट, बट इट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू ऑल रेडिएशंस, ओके। पहली चीज ये सारे का, जैसे आपका न्यूट्रॉन के लिए भी हो जाए, बीटा के लिए भी हो जाए, लो और हाई एनर्जी फोटॉन्स के लिए भी, ये सबके लिए मतलब टिश्यू को अवेलेंट जो भी आपके पास क्वार्ट्ज फाइबर इलेक्ट्रोमीटर अवेलेबल है, इट डजंट रिस्पॉन्ड टू ऑल रेडिएशंस राइट। एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इस केस में पुअर है उनके पास, जो भी है करेक्ट, बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं है। दूसरा चीज अगेन कि ये जो डोसमीटर्स जो हैं या क्वार्ट्ज फाइबर इलेक्ट्रोमीटर्स, दे आर वेरी सेंसिटिव टू शॉक, वाइब्रेशन, टेम्परेचर और इन्वायरमेंटल कंटामिनेशन एंड अदर फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट द रेट एट विच चार्ज डेसिपेट टू प्रोड्यूस एरोनियस इंडिकेशन ऑफ डोज रेट। मतलब बेसिकली क्या है कि कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, मान लो एक गिर जाए शॉक,
वो उससे भी इसका चार्ज जो है एरोनियस रीडिंग दे सकता है, राइट। वाइब्रेशंस, टेम्परेचर्स, राइट, एंड अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स, और भी फैक्टर्स हैं, रिस्क फैक्टर्स, जिस कंडीशंस में ये क्या करेगा कि इसका चार्ज जो जब चार्ज करके रखते हैं, राइट, चार्ज करके रखा और जा रहे हो आप मेजर करने के लिए, राइट, तो इस दौरान भी जो चीजें, जो भी एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशंस होएगा, टेम्परेचर बढ़ जाए या शॉक आ जाए, वाइब्रेशन, वैसे वाइब्रेट भी हो जाए ज्यादा, तो भी ये चार्ज जो है इसका डिसिपेट हो जाता है, राइट। तो जब जैसे चार्ज डिसिपेट होएगा तो रीडिंग जो होगी वो आपकी एक्यूरेट नहीं आएगी, राइट। हाउएवर इम्पोर्टेंट क्या है कि ये जो है वो इनएक्सपेंसिव है, दे आर रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव डोसीमीटर्स हैं, एंड दे प्रोवाइड इमीडिएट अप्रोक्सीमेशन ऑफ डोज रेट फॉर द इमरजेंसी वर्कर्स। मान लो इमरजेंसी में आपके पास बहुत सारी चीजें नहीं है, आपने डाल दिया, वो तुरंत एक अप्रोक्सीमेट डोज रेट जो है वो प्रोवाइड कर देता है, ओके, फाइन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर क्वार्ट्ज फाइबर इलेक्ट्रोमीटर, थैंक यू।